अस्सलाम वालेकुम विवर्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं स्मार्ट जोन। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं सब कैरियर से होंगे। तो विवर्स, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूं शार्प कंपनी की 22 इंच एलसीडी का। तो विवर्स, आज से 12 या 13 साल पहले शार्प कंपनी के टीवी आते थे, उसके बाद इसकी एलसीडी आने लगी, लेकिन शार्प कंपनी ने इतनी मकबूलियत हासिल ना की जितनी के सोनी, सैमसंग और दीगर कंपनियों ने हासिल की है पाकिस्तान में। तो इसका मैं आपको रिव्यू दूंगा, इसका डिस्प्ले चेक करवाऊंगा, साउंड क्वालिटी चेक करवाऊंगा आपको। तो बिना टाइम जाया करिए, वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, ये है आपके सामने शार्प की 20 इंच की एलईडी। ये मैंने क्वेटा से इंपोर्ट की है, मगर मेन इसकी बात यह है कि इसमें चाइना का मैंने कार्ड लगवाया है, जिसकी वजह से अब यूएसपी ये सपोर्ट करती है। पहले ये एलसीडी थी, अब ये एलईडी है। चलिए आपको इसका डिस्प्ले चेक करवाता हूँ। ये ऑन हो चुकी है, ये यूएसपी पहले मैंने अटैच कर दी थी। साउंड के लिहाज से इसका साउंड बहुत ज्यादा है, तो आपको इसके साथ कोई स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं है। एक कमरे की आवाज के लिए इसकी आवाज बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये 20 इंच की है शार्प की, आज से तकरीबन 12-13 साल पहले कि ये आते थे शार्प के टीवी, उसके बाद इनकी एलसीडी आना शुरू हो गई, लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं हुई जैसे कि सोनी और सैमसंग की एलसीडी कामयाब हुई है। ये कंपनी इतनी कामयाब नहीं हो सकी। ये मैंने क्वेटा से इम्पोर्ट की है। ये अगर किसी भाई को चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल पर दिया गया है। ये आपको 10,000 रुपये की मिल जाएगी। इसकी बॉडी वगैरह सब कुछ एकदम जेन्युइन है, कोई भी डैमेज नहीं है। सिर्फ मैंने कार्ड जो है वो चाइना का लगवाया है, क्योंकि यूएसपी सपोर्ट नहीं करती थी, इस वजह से कार्ड दूसरा लगवाया है, तो यूएसपी सपोर्ट करने हुई है। तो व्यूअर्स, ये इसकी बैग देख लें, जेन्युइन बॉडी के साथ है, कोई भी डैमेज नहीं है किसी भी जगह से, ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल केबल है, पावर केबल, ये देखो। और इसके साथ चाइना का ही रिमोट लगता है, चाइना के, ये देखें। और व्यूअर्स, ये पीछे आपको मैं बताता चलूँ, ये यूएसबी की पोर्ट है, ये ऑडियो वीडियो की जगह है, ठीक है। इसमें इसके ऊपर यूएसबी की पोर्ट के ऊपर केबल की पोर्ट दी गई है। और दूसरी तरफ ये देखें व्यूअर्स, इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है LC20D10 शार्प, शार्प का लोगो लगा हुआ है। ये सब कुछ डिटेल दी गई है और जेन्युइन बॉडी के साथ है। तो भी बस, कैसा लगा आपको हमारा आज का रिव्यू? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिलती रहिए, और देखते रहिए स्मार्ट जोन। शुक्रिया।